हेलो गाइस, मैं आज आपको बताऊंगा कि ऐसा फेस शेडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले मैंने बेस कलर लेके पूरे फेस पे कर दिया है। उसमें थोड़ा टाइम ना लगे इसलिए मैंने पहले से ऑलरेडी करके रखा हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे किया मैंने। देखिए, ऐसे करके मैंने जैसे ऐसे करके आप कर सकते हो। ठीक है, पिन टूल और लाजो वाले ब्रश को लेके अब देखिए, मैं थोड़ा सा जो डार्क कलर है उसको लेके कर रहा हूँ। मैं ऐसे ही करता हूँ, पहले बेस कलर, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क, ऐसे करके। ठीक है, कुछ नहीं करना। देखो जहाँ जहाँ पे लगे आपको कि जहाँ जहाँ पे लग रहा है देखिए डार्क है, वहाँ वहाँ पे बस करना है। ठीक है, ऐसे ही पूरे जहाँ जहाँ पे लगे कि डार्क है, जिस प्लेस पे लग रहा है जहाँ जहाँ देख रहे हो बस। मैं अपने हर हर वेक्टर में ऐसे ही करता हूँ। पहले बेस कलर, फिर से डार्क, फिर से डार्क, ऐसे करके। जहाँ लगे आपको डार्क, फिर मैंने देखिए मर्ज करके सेगमेंट वाले से उसे कट कर दिया। आपको अगर टूल्स ना समझ में आए तो मैंने टूल्स के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप वहाँ से देख सकते हो कि मैं कौन सा टूल कैसे यूज करता हूँ। मैंने बिगिनर्स के लिए बना रखा था एक वीडियो, वो भी आप चाहो तो देख सकते हो। जहाँ जहाँ देख रहे हो अब इधर के साइड मुझे पूरा डार्क लग रहा है तो पूरा ही कर दूंगा मैं। ठीक है, यहाँ से जाके सेगमेंट से कट कर दिया। अब देखो क्या करता हूँ मैं, ग्रेडियंट का कैसे क्या इस्तेमाल है मेरा। एक साइड का पूरा फुल 100% है और एक साइड का बिल्कुल जीरो। ठीक है, देख रहे हो आप, इससे क्या होता है स्मूथनेस पूछते हो ना, स्मूथनेस कैसे आती है, स्मूथनेस का यही ट्रिक है। ट्रिक है या फिर जो बोलो आप, स्मूथनेस ऐसे ही लाता हूँ। देख रहे हो एक साइड का पूरा फुल है, एक साइड का बिल्कुल जीरो। उसको ऐसे करने के बाद अब जहां जहां फिर लगे डार्क है दोबारा कर लो सही से। देख रहे हो, मैं एक ही बार ग्रेडिएंट करके छोड़ देता हूँ। एक साइड का पूरा 100% और एक साइड का बिल्कुल, एक साइड का बिल्कुल 100%, एक साइड का 0%। ठीक है, और मैं बार बार वहीं से सेलेक्ट करता हूँ कलर फिर से। जहाँ जहाँ देखो डार्क है वहाँ वहाँ मैं फिर से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी एक बार और डार्क वाला भी करना पड़ेगा इसलिए। कैसे ग्रेडियंट, ग्रेडियंट आपको देखना है किधर की साइड से किधर, मतलब डार्क साइड से आपको लाइटर साइड की तरफ करना है। उधर साइड डार्क है तो मैं उधर साइड में 100% वाला कर रहा हूँ, 100% वाला, और इधर साइड में 0% वाला। और अब इसके बाद इससे डार्क, जो इससे डार्क कलर है मैंने फर्स्ट मतलब कलर कर लिया, और उसके बाद उसे डार्क कर रहा हूँ मैं। इसको भी आप देखो कलर वहाँ से चेंज कर दिया मैंने, और फिर उसके बाद अब वैसे एक साइड की 0% वही है, 100% एक साइड की। फिर उसके बाद देखिए ऐसे करके फिर इसको भी थोड़ा सा ग्रेडियंट से कर लेते हैं। जहां लगे आपको देखिए, जहां पे लगे डार्क है बस वैसे करते हैं ना। और अगर आपका ग्रेडियंट आप जैसे मैंने बता रहा हूँ वैसे आप यूज करते हो तो स्मूथनेस आपके में अपने आप आएगी, उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जहां भी डार्क है, जिस प्लेस पे लगे आपको डार्क बस वहां पे। और जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको हम लोग कट कर लेंगे। ठीक है, मैं हर बार ऐसे ही करता हूँ, मतलब करने के बाद कुछ लोग क्या होता है कि मतलब पूरा कर लेंगे उसके बाद ग्रेडियंट लास्ट में यूज करते हैं। मेरा वो वाला पता नहीं क्या है, मैं हर बार मैं करता हूँ फिर उसके बाद तुरंत ग्रेडियंट यूज करता हूँ, इसलिए शायद थोड़ा वो हो जाता है नॉर्मल से अलग है। स्मूथनेस का देखो यही है बस, अपने आप स्मूथनेस आ जाएगी अगर आपका 1% मतलब 0% एक साइड का है और एक साइड का 100। अब जहाँ जहाँ पे देख रहे हो आइज के पास
ऐसे मैंने पूरा ऑलरेडी करके रखा हुआ था, फेस छोड़ा था कि फेस शेडिंग का बहुत टाइम से मेरे से आ रहा था रिमांड कि भाई फेस शेडिंग वीडियो लाओ, तो मैंने सोचा कर देता हूँ फेस शेडिंग पे। देख रहे हो ना ऐसे ही करके, बस बहुत आसान यार। देख लिया बियर्ड पे भी बोल रहे थे यार बियर्ड के वीडियो ला, बियर्ड में कुछ किया नहीं है मैंने खास, वो लाजो और टैपर्ड वाला जो ब्रश होता है, टैपर्ड ही ना मैंने उसका, हाँ वही शायद जो भी नाम है वही वाला ब्रश यूज करके उसको बस लाइनिंग लाइनिंग करके कर दिया और कुछ नहीं है, थोड़ी सी ओपेसिटी कम की थी उसकी बस, सिंपल है बियर्ड भी। देख रहे हो अब शेडिंग ऐसे करके करना, थोड़ा सा देखो चिपके तो लग रहा है करके शेडिंग लग रहा है वहाँ पर ज़्यादा वो है, तो उसको भी बस सही करना पड़ेगा। ये फोटो में ऐसे साइड था कि उस साइड से थोड़ा सा लाइट आ रहा है और आपको इस साइड से ऐसे करना है, ठीक है ऐसे ऐसा इधर साइड डार्क है उधर साइड में तो डार्क नहीं है, इधर साइड में लाइट है, देख रहे ज़्यादा पिक है उसी के हिसाब से करते हैं। अब देखो अब थोड़ा सा लग रहा है सही से, मुझे ज़्यादा इधर बीच में लाइट लगा था इस प्लेस पे तो इसलिए मैंने इसको पूरे को लेके कर दिया, देख रहे हो अब थोड़ा सही है। अब गर्दन वाली जगह पर भी कर लेंगे, बहुत लोग बोलते हो कि बोल की वीडियो बनाओ तो सोचा कि बोल की कर लेते हैं ना, ऐसे क्या था बस आसान पड़ता है ना, बिना बोले एडिट करके डाल दिया, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, चलिए कोई ना बोल की करेंगे वीडियो अब से, बस आपको समझ में आना चाहिए कैसे भी। जहाँ जहाँ पे देख रहे हो सिंपल सा, जहाँ जहाँ पे लगे डार्क है आपको बस चाहो तो आप लाइन वो करके करके कर भी सकते हो, बस डार्क इसको। और मैं पेन टूल यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि पेन टूल ही बेस्ट है या फिर पेन टूल ही सही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको आप प्लाजो वाला ब्रश भी बहुत अच्छा यूज करते हो तो आप उससे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत टाइम सेव करता है, सही बता रहा हूँ मैं, बहुत टाइम सेव करता है, मुझसे हो नहीं पाता, मैं सही से कर नहीं पाता इसलिए अब मैं उसे यूज नहीं कर पा रहा हूँ, वरना मैं भी लाजो यूज़ करता। अगर आप लाजो में परफेक्ट हो जाते हो तो उसमें तो अलग ही बात है, पेन टूल का भी अलग ही बात है, पेन टूल में ये कि आपके लाइन से जो होते सही बनते हैं पूरे, लाजो से उतने परफेक्ट नहीं बन पाएंगे, लेकिन आ जाता है उससे भी प्रैक्टिस करते करते। और हाँ अगर चैनल पर नए हुए सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ चैनल को, और शेयर तो आप लोग अब पता नहीं करते या नहीं करते हो, मैं भी नहीं शेयर करता किसी को, छोड़ हटाओ शेयर करने के लिए क्या ही बोले, लाइक कर दिया करो यार, कमेंट कर दिया करो, बस इतना कर दिया करो, वीडियो अच्छी लगी तो बस कमेंट कर दिया करो एक अच्छा सा, मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता है, मोटिवेट हो जाता हूँ कि हाँ यार अच्छा लग रहा है, किसी को फ़ायदा हुआ तो और वीडियो लाने का मन करते हैं। जैसा देख रहे हो जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ, और एडिटिंग को लेके बस स्मूथनेस का यही ट्रिक था, देख रहे हो ना एक साइड का 0% और एक साइड का 100%। और जहाँ पर लगे आपको थोड़ा सा डार्क वहाँ से खुद से भी एडिट में जाके ओपेसिटी कम कर देते हो उसकी। बहुत ही सिंपल है, कुछ करना नहीं होता, जहाँ पे
देख रहे हो, बिल्कुल आपको खुद से आ जाएगा यार, आपको पता लगने लगेगा कहाँ पे डार्क करना है, कहाँ पे छूट रहा है, कहाँ पे नहीं छूट रहा, कुछ समझ में आने लगेगा। सही देख रहे हो, सब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि कैसे क्या करना है। डार्क है तो डार्क वाले जगह पे जहाँ पे हो देख रहे हो ऐसे करके। ये फेस थोड़ा सा इजी था वैसे भी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो पता चल ही रहा है आपको, अगर आप लोग चाहोगे तो फ्रंट जैसे जो सामने की तरफ साइड फेस होता है उसको भी वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग को उसमें दिक्कत आती है तो, लेकिन उसके लिए आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको चाहिए वीडियो या नहीं, तो ये मैं बता पाऊँगा, बना पाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए भी कमेंट कर दो यार, अब तो कुछ सोचता नहीं है, अब तो मैंने शायद लगभग लगभग सब बना ही रखा है, सब चीज़ का ट्यूटोरियल दे ही रखा है, फिर भी अगर कुछ छूट रहा है, कुछ जानना हो तो करो कमेंट बताओ, मैं ट्राई करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो लाने की। वैसे तो सब ने मुझे लगता है इंस्टाग्राम से ही सब जानते हो मुझको, लेकिन अगर इंस्टाग्राम पे नहीं हो मेरे तो फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर भी, उसका भी लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, यूट्यूब पे तो उतना शायद नहीं रहता अभी, एक टाइम के बाद यूट्यूब पर भी रहने लगूँगा यार, अभी थोड़ा सा बिजी रह रहा हूँ। जहाँ जहाँ देख रहे हो डार्क है, ये तरीका मुझे सही लगता है कि पहले बेस कलर कर लिया, फिर उससे डार्क ऐसे करके, वो भी तरीका सही है आपका। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि सबसे पहले डार्क कलर से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद उससे लाइट ऐसे करके भी, तो तरीका दोनों सही है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो अच्छा लगे, जो आपको मतलब ईजी लगे, आप खुद को देखना। में कोई ऐसा ट्रिक तो है नहीं, जो आपको जैसा सही लगे वैसे आप कर सकते हो, वो सब आपको आ जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। एडिट में जाके आप इसको देखो, पिंटूल सबसे अच्छा लगता है मुझे ये बात कि आप एडिट कर सकते हो उसको सही से। लाजो वालों को क्या होता है कि लाजो का जो होता है ना उसको एडिट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन पिंटूल सेपरेट तुरंत उसको अच्छे से कर सकते हो। ठीक है देख रहे हो, तो अब सबसे डार्क की बारी आ गई, सबसे लास्ट जो डार्क कलर है जहाँ जहाँ पे है, मैंने इस वीडियो को थोड़ा जल्दी एडिट किया है तो उतना शायद सही से बना भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बताने का पूरा कोशिश किया जैसे मैं करता हूँ, पूरा ट्राई किया ऐसा ही कुछ ऐसे से करता हूँ, मैं कुछ अलग नहीं करता। देख रहे हो डार्क वाला कर लिया, अब डार्क वाला करने के बाद आपको जहाँ जहाँ देखते हो फिर से लगे आप ये के पास जैसे डार्क पे से यहाँ पे कर लेते हैं। लास्ट ही डार्क के बाद आप उसका रंग जाना सबसे ब्राइट है कलर उसके पास। Thank you.
यहाँ भी वैसा कर सकते हैं। जहाँ मैं देख रहा हूँ राइट पूरा सेट से, अगर आपको ये सब आ जाएगा ना तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। स्मूथनेस तो आ जाती है अपने से यार, स्मूथनेस का नहीं सोचना, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होती है। तो देख रहे हो आप लोग ऐसे ही करना, जहाँ जहाँ पे बस ब्राइट लगे वहाँ वहाँ पे आपको कर देना सिंपल सा। राइट वाले जगह पे राइट करके उसके बाद ऐसे ग्रेडिएंट यूज करके आप कर लो सही से, फिर वापस ठीक है। देख रहे हो जैसे जहाँ आप लग रहा है आपको देख रहे हो कैसे, आप फिर उसके बाद उसको सही से कर लो। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आ गया होगा। आपके सेटिंग में शायद उतनी दिक्कत ना हो, अब बस आपके ऊपर प्रैक्टिस है, जितना बनाओगे उतना आपको आएगा। देख लिया आपने कैसे करते हैं स्मूथनेस पूरा अच्छे से, ठीक है। जहाँ पे आपको लगे फिर ब्राइट वहाँ पे और ब्राइट कर लो आप। बस और कुछ है नहीं, देख लो हो गया कंप्लीट आपका। जहाँ पे आपको लगे आप सिटी कम करने से कर दो, ठीक है। तो आप थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, करने की है।